92.7 बिग एफएम से मैं अजय आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजवीर समय कैमरा लेकर के और हम दोनों आज रथ यात्रा उत्सव में आए हैं। एक्चुअली पुरी जगन्नाथ में जो मंदिर है वहाँ से रथ यात्रा निकलती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ और उनके भाई जो हैं बलराम और उनकी जो बहन है सुभद्रा वो जाते हैं अपनी मौसी के घर, कुछ ऐसी मान्यता है। लेकिन वो रथ यात्रा की जितनी धूमधाम उड़ीसा में होती है उतनी ही हमारे अजमेर शहर में भी होती है। तो ये रथ यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो ऋषि घाटी जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ हुई है और फिर ये 7 दिन अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। लेकिन आज वो जितने धूमधाम से इस शहर से निकल रहे हैं, रास्तों से निकल रहे हैं, कैसा स्वागत हो रहा है वो दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो पीछे पीछे फॉलो करते जाना है ना राज। तो घोड़े हाथी ऊंट और रथ यात्रा, सजी दजी सवारियां, बैंडों की धुन मजा करा देंगे। चलो आ जाओ, आज बहुत अच्छे दर्शन करेंगे हम। प्रणाम, कैसे हो? हाँ बिल्कुल आ रहा। अब इससे ज्यादा हर्ष का विषय क्या हो सकता है कि मुझे खुद को स्वागत में ये माला पहनाई देगी और मैं इसका सम्मान करूंगा। रथ यात्रा में कितनी खूबसूरत झांकियां वो भी आप देखेंगे और सामने वहां आरती हो रही है। चलो तो इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से जो हम भी निकले हैं आज रथ यात्रा लेकर के, ये रेवाड़ी कहलाती है और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण और साथ में कौन है? राधा जी है। तो राधा जी भी आज निकली हैं श्री कृष्ण के साथ। अब मैं बिल्कुल रथ के सामने खड़ा हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी है और उनके दर्शन के लिए आपको लेकर के चलता हूँ। बहुत प्यारे दर्शन होंगे। आइए यात्रा को जब हम खींचते हैं, रथ यात्रा को लेके जाते हैं रस्से बंधे हुए, मैं भी थोड़ा सा पुण्य गंवा रहा हूँ। आपको भी गंवाना है तो आ जाना रथ यात्रा। तो आज का ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव हम आपको इसमें लेकर आए और आप भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत परंपराएं और संस्कृति है हमारे देश की, जिन्हें देखना और उनके अंदर शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अजय फ्रॉम 92.7 बिग एफएम विद एमटीटीवी इंडिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय श्री जगन्नाथ। 92.